लिसन, अब मैं जो स्टार्ट कर रहा हूं आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। आज शाम को जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था वर्ड की, तो आज मैंने बहुत स्ट्रांगली ये महसूस किया कि परमेश्वर मुझे इस वर्ड को प्रीच करने के लिए कह रहा है। और मैं ये वर्ड क्यों प्रीच कर रहा हूं उसका एक रीजन है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग, बुरा मत मानिएगा, आप में से बहुत सारे लोग प्रभु में आने के बाद भी अपने ओल्ड बिहेवियर में जी रहे हैं, और उस ओल्ड बिहेवियर को बाहर आने के लिए आज ये वर्ड प्रीच किया जा रहा है आपके बीच में। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप कई बार यहां पर आते हैं, बाइबल को ओपन करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरा जांचिए कि वचन आप पे कई बार उन लोगों पर जिनका बिहेवियर सेम है, आप पे वचन असर क्यों नहीं कर रहा। आखिर मैं बहुत बार यह बात बता चुका हूं, एंड आई रिपीट, मैं आपको फिर से बताता हूं, सुनिए। जब भी आप गलती करेंगे या आप गुनाह करेंगे, और अगर पवित्र आत्मा आपको इनरली कह रहा है कि तुझे ये ठीक करना है, जिस समय आप ये सुनोगे और अगर आप अपने आप को हम्बल करके उस चीज को ठीक नहीं करोगे, आप वहां से कठोर होना शुरू हो जाओगे। उसके बाद यहां पर कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना आए, मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है पूरी कलीसिया जीवन का जल पिएगी, पर आपको एक ड्रॉप फील नहीं हो सकता है। जब तक आप खुदा के सामने पूरी ईमानदारी के साथ ये नहीं कहते हैं, खुदा तो मुझे बहुत कुछ बोलता है लेकिन मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानती। मैं कई लोगों को, जो बहुत पुराने लोग हैं जो प्रभु में हैं, जब मैं उनकी जिंदगियों में अविश्वासियों का स्वभाव देखता हूं, तो मैं कई बार प्रभु से एक सवाल पूछता हूं, प्रभु ये चार दिन अटेंड करने वाले लोग हैं, इनके पास न्यू किंग जेम्स वर्जन भी है, इंग्लिश बाइबल भी है, हिंदी भी है, इनके घरों में शुभ संदेश चैनल भी चलते रहते हैं, पर खुदावन ये बदले क्यों नहीं जाते। जानते हो परमेश्वर क्या कहता है, क्यों? क्योंकि पास्ट में मैंने इनको कुछ कहा था और उन्होंने उसे चप्पल की तरह ऐसे फेंक दिया, अब ये मुझे कहते हैं, अब मैं भी इनकी नहीं सुनता। मेरे भाइयों और बहनों, आपने बहुत दिन सुने होंगे प्रॉमिस डे, चॉकलेट डे, साड़ी डे, ये डे, वो डे, सुना होगा ना आपने ये सब दिन। अब एक मस्त दिन आने वाला है, जजमेंट डे। और उस जजमेंट डे पे जानते हैं क्या होगा, जितने भी लोगों ने इन डेज में जो भी किया है ना, उस डे पे उस सबका हिसाब है। आप कभी इस बारे में सोचते हैं? सुनी, 19th सेंचुरी में एक परमेश्वर के जन ने कहा, अगर तुम जो कर रहे हो सिर्फ इस विवेक से करो कि यह काम एक दिन न्याय के सामने खुलेगा, तो तुम्हारे काम करने के तरीके ही बदल जाएंगे। सोचो, आपके आप किसी से चेंज ले रहे थे, आपने किसी से छुट्टा लिया, चेंज ले रहे थे, और जानते हैं वहां पर क्या हुआ, उस चेंज में आपके पास 200-400 रुपया ज्यादा आ गया। आप सोचो जजमेंट डे पे वो पिक्चर जब दिखाई जाएगी कि आपको 400 रुपए वापस करने थे, पर वो आप आगे निकल गए, उस टाइम पे आप प्रभु को वहां पर क्या उत्तर देंगे? 400 रुपए की वजह से सोचो, जब खुदावन आपको स्वर्ग में, आपको स्वर्ग के लिए बुलाया गया है, क्या बोलेगा वो आदमी, तू उसको स्वर्ग कैसे ले रहा है, ऐसे मेरे 400 रुपीज लिए थे। तो प्लीज बी सीरियस, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं कुछ आज शेयर कर रहा हूं जो, और प्लीज चलती हुई मीटिंग में सोइए मत, मैं इतना बोरिंग प्रीचर नहीं हूं एक्चुअली, ठीक है? बोलो बाजू वाले को, सोना नहीं है आज। हाँ बोलो, सोने के लिए घर है। बोलो, खाने पीने के लिए भी घर है। हाँ, थोड़ा समझ रहे हैं मेरी बातों को, खुल के बोलूं? समझ गए, चालू करो। ओके, आइए मेरे साथ, जिन भी लोगों के पास बाइबल है आप सब मेरे साथ खोल सकते हैं, मरकुस की इंजील, मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय। बहुत ही ऑसम वर्ड है, बहुत ही अच्छा वचन है, अगर आपने इसको समझा तो।
चैप्टर 5 23 लाइट्स बंद कर दो भैया। मैं आज इतना स्लो जाऊंगा ताकि एक एक लफ्ज, एक एक शब्द आपके अंदर जा सके, ठीक है। और उसने ये कहकर बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होके जीवित रहे। आइए, जिनके पास भी बाइबल है और जिनके पास भी नहीं है, सब यहां पर देखिए। मैं तीन गिनूंगा, आप में से हर व्यक्ति को अपनी अपनी बाइबल में यह वचन बहुत जोर से पढ़ना है। 1 2 3 और उसने यह कहकर बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। ध्यान दीजिए इस बात को, अब जो मैं आपको समझा रहा हूं, बाइबल मुकद्दस ऐसा बताती है, परमेश्वर का वचन ऐसा बता रहा है कि एक समय था जब प्रभु यीशु मसीह का यरदन नदी पर अभिषेक हुआ था। बहुत लोग ये बात नहीं जानते हैं कि यीशु के अंदर ऑलरेडी पवित्र आत्मा था, लेकिन अब पवित्र आत्मा इसीलिए ऊपर आया ताकि वो मिनिस्ट्री कर सके, ताकि 9 गिफ्ट्स जो थे होली स्पिरिट के वो ऑपरेट हो सके। और बाइबल ऐसा बताती है 30 साल यूसुफ और मरियम की आदीनता के बाद जब वो उस नदी पर आया, उस जॉर्डन रिवर पर आया, तो बाइबल ऐसा बताती है जब वो अपने कजन ब्रदर से बपतिस्मा पाकर जब वो वहां से उठा, तो वचन ऐसा कहता है कि वो अपनी सेवकाई करने के लिए निकला। उसकी सेवकाई के अंदर बाइबल बताती है उसे एक व्यक्ति मिला। इस व्यक्ति का नाम याइर था और ये अच्छे से जानता था कि यीशु को दुष्ट आत्माएं निकालने का और बीमारों को स्वस्थ करने का, कोढ़ियों को शुद्ध करने का, मुर्दों को जिलाने का और परमेश्वर के राज्य के प्रचार करने का पूरा पूरा हक है। और देखिए, ये आदमी यीशु के पास आके कहता है, तू आकर उस पे हाथ रख कि वो चंगी होकर जीवित रहे। अब ध्यान दीजिए, बाइबल ऐसा बताती है उसकी पब्लिक मिनिस्ट्री में एक आदमी उससे मिलने आया। इसकी बेटी बहुत बीमार थी पर अब तक मरी नहीं थी। और वचन ऐसा कहता है जब यीशु ने यह सुना, आगे चल के आप पढ़ सकते हैं, आपके लिए होमवर्क है यह चैप्टर पूरा, आप घर पे पढ़ना, लेकिन यहां पर मत खोलिए। मैं आपको मेन जो थिंग है मैं आपको वो समझाना चाहता हूं। बाइबल ऐसा बताती है कि उसकी पब्लिक मिनिस्ट्री के अंदर एक व्यक्ति उससे मिला जिसकी बेटी काफी बीमार थी, और जैसे यीशु उससे मिला, वो यीशु को कहता है, प्रभु तू मेरे घर चल, मेरी बच्ची जो है वो बहुत बीमार है और अगर तू उस पे हाथ रखेगा तो वो चंगी हो जाएगी। अब हुआ क्या, जैसे यीशु के कानों में ये बात पता चली कि एक बच्ची बीमार है, वह अपने वहां से लेके उसके पास निकल चला। निकलते 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 मैं आपको बताना चाहता हूं, इस लड़की तक पहुंचने में डिले हुई थी, लेट हो गया था। जानते क्यों लेट हो गया था? क्योंकि रास्ते पे एक और लेडी मिल गई थी और इस लेडी को कुछ प्रॉब्लम था, इसके बदन से खून बहता था 12 साल से। अब आप सोचते हो, क्या आप ये थोड़ा इमेजिन करो, जिस बहन के बदन में से 12 साल कंटिन्यू ब्लड बहता था, उसकी हालत क्या होगी? बाइबल बताती है मनुष्य का प्राण उसके लहू में है। आज भी आप देखिए, इंसान का जो सोल है वो ब्लड में है। उस बहन का सारा ब्लड एवरी डे थोड़ा थोड़ा करके, इतनी कमजोर हो गई थी वो, पर उसने एक बात सुनी थी कि अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और बाइबल बताती है यीशु एक्चुअली इस लेडी के लिए नहीं, यीशु एक बच्ची को ठीक करने के लिए जब जा रहा था, जाते जाते लिखा गया है एक स्त्री उससे मिली और उसने उसके गारमेंट को टच किया और बाइबल बताती है वो ऑन द स्पॉट चंगी हो गई थी। और जैसे यीशु पीछे मुड़ा, यीशु ने पूछा, किसने मुझे छुआ? और वो कहती है, प्रभु मैंने। और यीशु ने उसे कहा, बेटी डर मत, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, जा और कुशल से चली जा। लेकिन आप याद रखिए, जीसस कहीं और जा रहा था और जैसे यीशु ने उसे चंगा किया, सामने से एक आदमी आके कहता है, अब गुरु को कष्ट न दे, बच्ची मर चुकी है।
और जैसे यीशु ने यह बात सुनी कि बच्ची मर गई है, लिखा है यीशु ने उन शब्दों को अनसुना कर दिया। अनसुना करने के बाद यीशु उस घर में गया और यीशु ने एक अलग एक भाषा में, उसने अपनी लैंग्वेज में उसे कहा, तलिता कूमी, हे लड़की उठ। और बाइबल ऐसा बताती है, आपको पता है जब यीशु वहां पर गया, वहां पर लोग रो रहे थे। डू यू नो, चंगा करने से पहले उसने हर एक को जो रो रहे थे बाहर निकाला। क्यों यीशु ने रोने वालों को बाहर निकाल दिया? हां, क्या आप ये बिलीव करते हो कि परमेश्वर उस घर में कभी काम नहीं कर पाता जिसमें लोग अविश्वासी हैं? यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर है, लेकिन उन्हें यह विश्वास नहीं है कि वो मेरी परिस्थितियों से बड़ा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बिलीव करते हैं वो मेरे लिए मरा, लेकिन वो ये बिलीव नहीं करते कि खुदावन मेरी परिस्थितियों से बड़ा है। आप जानते हो, जैसे यीशु वहां पर गया, यीशु ने कहा तलिता कूमी उठ, और वो लड़की उठ गई। और सुनिए, जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं वो अब आ रही है। ब्रदर, मैं चाहता हूं आप मत खोलिए, मैं चाहता हूं सीधा लगाओ 5:43। प्लीज आप ओपन न करें, यहां देखें क्या लिखा है, देखिए। और फिर उसने चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई न जानने पाए, और कहा उसे कुछ खाने को दिया जाए। अब सुनिए, जैसे ये लड़की मुर्दों में से जिंदा हुई है, पहली चीज जो यीशु ने कही है वो है, इस बच्ची को कुछ खाने के लिए दो। मैं सोच रहा था, क्या वो भूखी थी? हेलो, मैं कुछ समझा रहा हूं आपको आज। कितने लोग ये बात जानते हैं, यीशु का हर चमत्कार एक शिक्षा है। यूहन्ना के 2 में ऐसा लिखा गया है कि जब उसने पानी को दाखरस बनाया, तो उसके बाद ऐसा लिखा है कि उसने पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की। चिन्ह, एवरी मिरेकल सिर्फ एक मिरेकल नहीं है, वो एक टीचिंग है, वो एक शिक्षा है। एक आदमी को देखिए, उसके पास आंखें नहीं थी, यीशु ने थूका, हाथ में मट्टी ली, उसके मुंह उसके सोचो आपको कोई ऐसा हीलिंग दे, आप किसी को बोलो मेरे को बुखार है और वो नीचे थूके, वो थूक उठाए, आप किस क्या कर रहे हो? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सिर्फ मिरेकल्स नहीं है, ये सब शिक्षाएं हैं। यीशु ने एक आदमी को देखा, उसके पास आंखें नहीं है, उसने थूका, अपने हाथ में मट ली, उसके आंखों पे लगाया। क्या बताना चाह रहा था वो इस चमत्कार के द्वारा, कि देखो जो यीशु है वो एक्चुअली यहोवा है, जिसे परमेश्वर ने सृष्टि बनाई थी, उसके बाद इंसान को मट्टी से बनाया था, कि देखो मैं वही परमेश्वर हूं, इसकी आंखें नहीं थी, मैंने मट्टी से आंखें दे दी। ये चमत्कार दिखाता था कि वो सृष्टि करता है। वैसे ही ये चमत्कार जो यीशु ने किया मुर्दों में से जिंदा होने के बाद, पहली चीज वो कहता है इसे कुछ खाने को दिया जाए, शुड बी गिवन हर टू ईट। आपको पता है ये दृष्टांत क्या बताता है, ये चमत्कार क्या बताता है? मेरे भाइयों और बहनों, 3:1 कुलिशियों में ऐसा लिखा गया है, हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं। कितनों के बाद जानते हैं हम जिलाए कैसे गए हैं? जब हम प्रभु में नहीं थे, हर प्रकार के गुनाहों में थे, कोई व्यभिचार में था, कोई इतना गुस्से में था कि चीजें उठा के फेंकता था, गालियां देता था, श्राप देता था, ऐसा गुस्सा था हम लोगों में। हम लोगों में इतनी जलन थी जब हम प्रभु में नहीं थे, कि हम जलन के अंदर घर के घर बिगाड़ देते थे, किनकी शादियां तोड़ देते थे हम लोग जलन के अंदर आके। कुछ लोग जादू टोना भी करते थे। ये कब की दिशा है? जब आप खुदा में नहीं थे तो लिखा गया है तुम मरे हुए थे, लेकिन मसीह ने तुम्हारे साथ तुम्हें जिलाया है। आपको पता है जिलाए जाने का मतलब क्या होता है? आइए सब ध्यान दीजिए, जिलाए जाने का अर्थ यह होता है कि कोई समय था आप गुनाहों में थे, लेकिन आप जैसे प्रभु में आए, आपने सुसमाचार पर विश्वास किया। क्या है सुसमाचार? आज का प्रचारक कहता है चंगाई मिलेगी, आज का प्रचारक कहता है बरकत मिल जाएगी, आज का प्रचारक कहता है ये मिलेगा वो मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार है पापों की क्षमा और परमेश्वर से मेल मिलाप, सच्चा सुसमाचार। पौलुस कहता है उसने हमें मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया है। जानते हो सुसमाचार क्या है? व्हाट इज गॉस्पल?
आप में से बहुतों को सुसमाचार सिर्फ वर्ड पता है, लेकिन शायद आपको अर्थ नहीं पता है। सुसमाचार यह है कि मेरे गुनाह क्षमा किए गए हैं और अब परमेश्वर से मेरा मेल मिलाप होगा। दैट इज गॉस्पल। आप जब प्रभु में आए, सब यहां पर ध्यान दीजिए, यह लड़की मुर्दों में से जिंदा होने के बाद इसके लिए कहा गया है इसे कुछ खाने को दो। आपको पता है हम इस लड़की की तरह मरे हुए थे अपने गुनाहों में, और जब हम यीशु में आए तो हमें पता चला, अरे ये हम क्या कर रहे हैं, ये क्या हमारे जिंदगी में हो क्या रहा है। खुदा ने हमें जिलाया। जैसे इस लड़की को मुर्दों में से जिंदा होने के बाद पहली चीज कही थी, इसको खाने के लिए दो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप जिलाए गए हैं, यदि आपको अब भले और बुरे का ज्ञान आ चुका है, क्या सही है क्या गलत है, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, जैसे इस लड़की को खाने के लिए कहा गया था इसे कुछ दो, वैसे ही आप और मैं जो जिलाए गए हैं, जिन्हें यह पता चल गया है कि हम पहले गुनाह में थे और हम गलत कर रहे हैं, यदि आपको यह वचन नहीं मिला खाने के लिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप अपने गुनाहों में दबे और फंसे हुए रहोगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सब यहां पर ध्यान दीजिए, अगर आप पुराने हैं तो आपको तो बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए आज। लिसन वेरी केयरफुली। कभी आपने इस सवाल का उत्तर अपने आप से पूछा है, 5 साल हो गए मुझे प्रभु में, 6 साल हो गए मुझे प्रभु में, हर रविवार में चर्च जाता हूं और भी दिन जाता हूं, पर मैं अपने पुराने स्वभाव से निकल क्यों नहीं पा रहा, आखिर क्यों मुझे पुराना स्वभाव, गुस्सा, घमंड, जलन मुझे वापस पकड़ती है। जानते हो रीजन क्या है? जलाए जाने के बाद तुम्हें खाना नहीं मिला है, इसलिए तुम वापस मर गए हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं यहां पर जिन्होंने जलाए जाने का अनुभव महसूस किया? मैंने किया है। बस एक ही आदमी है यहां पर, कोई और नहीं है। आइए, कितने लोग हैं जिनको ऐसा लग रहा है प्रभु में आके कि पहले हम बहुत गंदे काम करते थे? आइए हाथ उठाइए। ठीक है, हम सबों को जिलाए जाने का अनुभव है, पर आपको पता है एक जिलाया हुआ आदमी अगर वो प्रभु में जीना चाहता है, एवरी डे वो प्रभु के साथ रहना चाहता है, तो ये जरूरी है उसे एवरी डे खाना मिले। और अगर उसे खाना नहीं मिला, आपको पता है वो क्या होगा? वो वापस अपनी मरी हुई दिशा में चला जाएगा। सिर्फ होगा क्या, कलीसिया में वो एक्टर बन के रहेगा, लेकिन यहां से जाने के बाद उसके सारे काम ढोंगी बन के होंगे। और मैं आपको सच कहता हूं, हमारी कलीसियाएं पाखंडियों से भरी पड़ी है इन दिनों में। ऐसे ऐसे बिलीवर्स हैं हमारे बीच में, मैं आपको सच कहता हूं, इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं वो लोग, लेकिन आप घर पे जाइए आपको पता चलेगा वे सच्चे विश्वासी नहीं है। प्रचारक बहुत एक्टिंग करते हैं आजकल, यहां पर खड़े होके भी बहुत अच्छी प्रीचिंग होती है, दे प्रीच वंडरफुल थिंग्स, बट मैं आपको सच कहता हूं कुछ और ही है उनके मन में। एक सिंपल चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। अब बाइबल ऐसा बताती है, यीशु मसीह एक घर में गया, वहां पर 2 बहनें थी, एक का नाम मार्था और एक का नाम मरियम था। बाइबल ऐसा बताती है कि मरियम जैसे यीशु आया, मरियम उसके पैरों पे बैठ के यह सुनना चाहती थी कि मेरा मालिक आज क्या प्रचार करेगा, लेकिन मार्था ये जानना चाहती थी कि वो क्या क्या खाएगा। आपको पता है 2 तरह के लोग हैं मसीहत के अंदर। एक ऐसे हैं जिनको सारा दिन काम काम काम, घर का काम, शॉप का काम, ये काम वो काम, अब आपको लगता है कि खुदा आपके काम के खिलाफ होगा। मैंने बहुतों को देखा है, वो फ्री में बैठे रहते हैं ना, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ काम काम, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। आपको पता है मार्था के घर में यीशु आया था, लेकिन उसका फोकस एक चीज पे था, काम काम। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि आप में से यहां जाने के बाद आपके मन में अधिकतर क्या चलता रहता है। लेकिन मरियम सब चीजों को साइड में रख के आई थी, लेकिन मार्था उसके लिए भोजन बना रही थी, लेकिन मरियम यह जानना चाह रही थी कि प्रभु के पास मेरे लिए क्या भोजन है। और आपको पता है वो एवरी डे न के एवरी डे जिस दिन यीशु उसके घर में आया, वो उसके पैरों पे बैठकर ये खाना ले रही थी। आपको पता है खाना एक्चुअली क्या है?
अगर आप कहोगे वचन, तो मैं आपको कहूंगा आप इतना बाइबल पढ़ के भी पुराने क्यों? आप में से हर व्यक्ति मुझे लगता है यहां पर कुछ टाइम बाइबल पढ़ता है, और उसके बाद भी चिंता, परेशानी, स्ट्रेस, आपका पुराना स्वभाव आपको क्यों नहीं छोड़ रहा? मेरे भाइयों और बहनों, याद रखना, अगर आज की सभा, अगर आज का वचन आपको चेंज नहीं कर पाया ना, तो मैं सच कहता हूं मुझे नहीं पता है फिर आप कैसे बदलोगे एक दिन। आप जानते हो मरियम उसके पैरों पर बैठी हुई थी, मेरा बाइबल कहां गया, मरियम उसके पैरों पर बैठी हुई थी और उसको सुन रही थी कि वो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। आप जानते हो ये बाइबल आपको क्यों मिली है? मैं आपको एक बहुत ऑसम स्टेटमेंट दिखाता हूं एक व्यक्ति की। जरा देखो ये बाइबल, एक छोटे से स्टेटमेंट में इसने बाइबल के लिए देखो क्या लिखा है यहां पर। द बाइबल इज नॉट मैन्स वर्ड अबाउट गॉड बट गॉड्स वर्ड अबाउट मैन। बाइबल एक मनुष्य की किताब नहीं है जो परमेश्वर के विषय में बताती है, बाइबल एक परमेश्वर की किताब है जो मनुष्य के लिए लिखी गई है। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं, बाइबल इंसान के द्वारा, बाइबल एक ऐसी किताब नहीं है जिसको इंसान ने लिखा कि परमेश्वर के विषय में, बाइबल एक ऐसी किताब है जो परमेश्वर ने लिखी मनुष्य के लिए। जिस समय आपको यह बात समझ में आ गई ना, आप बाइबल के हर पन्ने में, हर कलाम में यह ढूंढोगे कि खुदा अगर यह किताब मेरे लिए है तो मुझे बता आज मेरे लिए क्या रखा है। मैं आपको बताऊं कौन से वो लोग होते हैं जिनकी बाइबल पढ़ के भी लाइफ चेंज नहीं होती है। वो लोग होते हैं जो बाइबल को किताब समझ के पढ़ते हैं। उन्हें लगता है कि पास्टर ने मुझे आज्ञा दी है, भाई ने मुझे आज्ञा दी है, एक अध्याय तो पढ़ना ही है। वो सिर्फ अपनी धार्मिक एक स्पिरिचुअल, या तो मैं कहूंगा एक रिलीजियस ड्यूटी पूरी करते हैं एक अध्याय पढ़ने की, और अपने आप को कहते हैं हाँ आज मैंने पढ़ लिया। लेकिन कितने लोग हैं जो परमेश्वर को बाइबल खोलते समय ये कहते हैं प्रभु ये बाइबल मैं इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि तू मुझसे आज क्या बात करना चाहता है। मैं फिर से कहूं हेलो, बाइबल को किताब की तरह पढ़ रहे हो आप कि आप बाइबल को इसलिए उठाते हो क्योंकि आप यह जानना चाहते हो कि प्रभु मुझसे क्या बात कर रहा है। आई रिपीट अगेन, मैं फिर से कह रहा हूं, आप बाइबल को उठा रहे हो कि आप बाइबल को इसलिए उठाते हो क्योंकि आप जानना चाहते हो कि आज परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहता है। मैंने एक दिन बाइबल उठाई और मैंने प्रभु से कहा प्रभु आज जो भी तू मुझसे बात करेगा ना मैं एक्सेप्ट करूंगा। और जब मैं अपना डेली पोर्शन कंप्लीट कर रहा था, मैं पढ़ रहा था, एक दिन मैं एक वचन पे पहुंचा जिसमें ऐसा लिखा गया था यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। मैं बहुत पढ़ा पढ़ा पढ़ा, मैंने कहा प्रभु उसका अर्थ क्या है, कौन है ये फरीसी लोग, क्या है इनकी धार्मिकता, और क्यों तू हमसे यह कहता है कि अगर तुम इससे धार्मिक न बनो तो तुम परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे। आपको पता है उनकी धार्मिकता क्या थी? उनकी धार्मिकता थी स्त्री को टच मत करो क्योंकि यह व्यभिचार है। लेकिन यीशु ने कहा मैं तुमसे कहता हूं किसी स्त्री को देख के अपने मन में वासना भरे विचार न रखो। यीशु ने कहा ये मेरी व्यवस्था है। उसके बाद यीशु कहता है तुम सुन चुके हो, ये उनकी शास्त्र है, ये उनकी धार्मिकता है कि तुम हत्या न करो, पर मैं तुमसे कहता हूं किसी से नफरत मत करो। हेट्स किल के समान है, जो नफरत करते हैं वो एवरीडे एक दूसरे को छुरे डालते हैं। मैंने प्रभु से कहा प्रभु मर्डर तो बाहर होता है, नफरत तो अंदर होती है। मैंने कहा प्रभु क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मुझसे बुरा चले और मैं अपने मन के अंदर उसके लिए बुरा ना सोचूं? प्रभु ने कहा आगे पढ़, मैंने इन्हीं बातों पर चलने के लिए तुम्हें पवित्र आत्मा दिया है। मेरे भाइयों और बहनों, क्या आप हर दिन जब इस किताब को खोलते हो तो क्या आप परमेश्वर को बात करते हुए पाते हो? क्या आपको सिर्फ इतना ही पता चलता है कि यीशु गलील से यरूशलम गया, बतेस्दा से वहां पर गया, मार्था से मिला, मरियम से मिला? अगर परमेश्वर आपसे बात नहीं करता तो आप जान लो कि आप इतने दूर चले गए हो कि अब आप उसकी आवाज को नहीं सुन पा रहे हो। आपको बाइबल पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं आपको आंसू बहाने की जरूरत है कि प्रभु मुझे माफ कर, मैंने पास में तेरी आवाज को बहुत नकारा है, एक बार फिर से खुदा मुझे ले और मुझे आशीष दे और मुझसे बात कर।
मैं आपको सच कहता हूं, जिस दिन मैं खुदा को सुनते हुए नहीं पाता, मैं समझ जाता हूं समथिंग इज रॉन्ग, क्योंकि बाइबल की शुरुआत हुई है प्रभु ने 6 के 6 दिन बात की है, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा। एक बच्ची मर गई, उसके बाद यीशु कहता है इसे कुछ खाने को दो। हर मसीह जो यहां पर बैठा हुआ है, आप प्रभु में जब नहीं थे आप मरे हुए थे, लेकिन जब आप प्रभु में गए आप जिलाए गए। जैसे इस बच्ची को भोजन दिया गया, तुम्हें हर दिन खुदा के साथ जीने के लिए तुम्हें भोजन की जरूरत है। एक बच्चा जब मां के पेट से बाहर आता है, अगर वो नहीं रोता तो आपको मैं बताना चाहता हूं उसके बैक में धक्के मारे जाते हैं, उठ क्या हुआ तुझे, उठ। उसका रोना एक चिन्ह है कि वो जीवित है। पतरस कहता है नए जन्मे बच्चों की तरह आत्मिक दूध की लालसा करो। मैं आपको बताना चाहता हूं यदि आपके अंदर खुदा को सुनने की भूख और प्यास नहीं है, तुम एक मरे हुए मसीह हो, तुम्हें वापस जिलाए जाने की जरूरत है। तुम बाइबल को छोड़ो, घुटनों पर आओ, खुदा से कहो मुझे माफ कर, क्योंकि पुराने समय में तूने मुझे कुछ तो कहा है जो मैंने नहीं सुना है, मुझे क्षमा कर। मैं नम्र करता हूं अपने आप को और मैं यीशु के नाम से भविष्यवाणी करता हूं, सेम डे पे खुदा आपसे बात करना शुरू कर देगा। सेम डे पर परमेश्वर आपसे बात करना शुरू कर देगा। आप बिलीव कीजिए, आप बाइबल ओपन करोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि कोई मुझसे बात कर रहा है, कोई मुझे कह रहा है कि मैं ठीक करूं सब कुछ। तुम मसीह में जिलाए गए हो, कभी इस बात को मत भूलो। मेरे भाइयों और बहनों, पूछो अपने आप से, कहीं ऐसा तो नहीं है मार्था की तरह तुम्हारे मन में संसारिक कामों को भर दिया गया है, कि तुम मरियम की तरह हो जो कामों से पहले यह जानना चाहते हो कि खुदा क्या कहता है। अपने बपतिस्मे के बाद पहली चीज यीशु मसीह कहते हैं, मनुष्य रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले गए वचन से जीवित रहेगा। पहली चीज उसने कही। पूछो अपने आप से, खुदा ने आपको जिलाया है, क्या तुम अब भी जीवित हो? प्रकाशित वाक्य में एक पास्टर था, उसको दूत कहा गया है, परमेश्वर का दूत। आपको पता है सुबह से लेकर रात तक वो क्या करता था? परमेश्वर के राज्य का प्रचार, विजिटिंग्स, इसके घर में, उसके घर में, इसके घर में, उसके घर में। आप उसके सामने जाओ, चिल्ला चिल्ला के आपके लिए प्रार्थना करेगा। मैं आपको बता सकता हूं उस पास्टर के लिए, और अगर आप उसकी कलीसिया का ओपिनियन जानो उसके बारे में कि भाई आप इस पास्टर को क्या नाम दोगे, तो उसकी कलीसिया जानते उसके बारे में क्या कहती है? ये तो जीवित आदमी है। कलीसिया कहती है जीवित है, प्रभु कहता है ये मरा हुआ है। हमें लगता है हम सेवकाई करते हैं, हम मिनिस्ट्री करते हैं, हम लोगों को यीशु के लिए बताते हैं, हम सोशल मीडिया पे बहुत कुछ शेयर करते हैं। हो सकता है कि आप बहुत बेहतरीन चीजें प्रचार करते हो, पर प्रभु की दृष्टि में आप मरे हुए हो, आप अपना पहला सा प्रेम खो चुके हो। मेरे भाइयों और बहनों, इट्स टाइम टू बी सीरियस। आइए सब यहां देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने लोग हैं यहां पर जो ये जानते हैं कि ये 1732 पेज की बाइबल क्यों मिली है आपको? कहीं ऐसा तो नहीं है इस बाइबल को पढ़ने के द्वारा आप यीशु की तरह नहीं पर डे बाय डे अच्छे फरीसी बनते जा रहे हैं? कितने लोग हैं, सच बताइए, आपकी ये गवाही है। एवरी डे खुदा आपको आपकी मिस्टेक दिखाता है। मैं हूं यहां पर, एवरी डे खुदा तुम्हें तुम्हारी मिस्टेक दिखाता है कि तेरा बात करना ठीक नहीं था, तूने सही बोला गलत टोन से बोला, तूने सही किया गलत तरीके से किया। सोचो, यशाया नबी कहते हैं हाय मुझ पर क्योंकि मैं एक अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। सोचो यीशु की ज्योति कितनी महान थी। आज एक भाई ने मुझे बताया कि एक इत्र लेके कैसे एक लेडी ने उसके पैरों पर रख दिया। वो इत्र उसके बिजनेस की निशानी थी। एवरी डे वो इत्र लगा के कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती थी, उसे इत्र वहां छोड़ दिया। आप बिलीव कर सकते हैं, एक लड़की को जब पता चला कि उसका इनकम सोर्स ही गलत है, उसे अपना इनकम सोर्स यीशु के पैरों पर तोड़ दिया। नहीं चाहिए मुझे, मुझे वो चाहिए जो मुझे मेरा खुदा देगा। अब आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं भाई मैं तो अनपढ़ हूं, मैं तो पढ़ना नहीं जानता हूं, मैं तो तीसरी में भाग के आ गया था स्कूल में से। अच्छा, बॉलीवुड के गाने कैसे सुनते हैं आप? फिर सुनते हैं ना,
है ना, बहुत सारे आते हैं ना गाने, बदतमीज दिल, ये वो फालतू गाने सब सुनते हैं ना। अगर तुम बॉलीवुड के सॉन्ग सुन सकते हो तो ऑडियो बाइबल नहीं सुन सकते? हाँ, आपके मोबाइल में एप्स होते हैं आजकल, आप आराम से बैठ के पूरी बाइबल सुन सकते हो। मेरे कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो पढ़ना नहीं जानते हैं, पर उनसे अच्छी बाइबल जानते हैं जो पढ़ना जानते हैं। मैं आपको ऐसे भाइयों से मिला सकता हूं, आपको चाहिए आप रुको मेरे साथ कलीसिया के अंत तक। मैं आपको ऐसे भाइयों से मिला सकता हूं जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, पर वो उनसे अधिक अच्छी बाइबल जानते हैं, जो पढ़ना भी जानते हैं लिखना भी जानते हैं। जानते हो क्या प्रॉब्लम है, जानते हो क्या इश्यू है? वो जिंदा है और कुछ मर चुके हैं। जो जिंदा रहता है ना उसमें भूख रहती है। मैं आपको सच कहता हूं, जिस दिन आप इस कलाम को उठाओ, इस नए और पुराने ऐदनामे को उठाओ, और अगर आपसे खुदा बात नहीं करता ना मेरे भाइयों और बहनों, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गलत हो रहा है तुम्हारे जिंदगी में। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं नेगेटिव कन्फेस नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बिब्लिकल है। किसी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं एक दिन प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु छोटा याकूब, उसको तलवार से मार दिया गया इतनी छोटी उम्र में, पौलुस 67 में मरा, ऐसा क्यों? और परमेश्वर ने कहा उसकी मिनिस्ट्री खत्म हो गई, मैंने उसको बुला लिया, उसकी मिनिस्ट्री बाकी थी इसलिए रखा था। आप जीना चाहेंगे ऐसा कि जिस दिन परमेश्वर की इच्छा पूरी हो उसके बाद मैं एक दिन नहीं रहना चाहता? नहीं नहीं, मैं तो अभी जवान हूं, अभी तो मुझे बहुत कुछ देखना है। अब तक तुम संसारिक हो। यीशु मसीह को देखो, जैसे उसकी सेवकाई पूरी हुई उसने उसके बाद एक दिन जीना नहीं चाहा। क्या परमेश्वर की इच्छा से बाउंड थे ये लोग। एक आदमी यीशु के पास आके कहता है, हमारे घर चल, हमारा न्याय चुका, मेरा जो भाई है मुझे प्रॉपर्टी नहीं दे रहा है, ये इंसान है। प्रभु को यह नहीं कहता है कि मुझे अपनी इच्छा के अनुसार चला, प्रभु को यह कह रहा है नीचे उतर और मेरी इच्छा के अनुसार चल, जैसा मैं कहता हूं वैसा कर, मैं तुझे लीड करूंगा। आप जानते हो आज कितनी मूर्ति पूजा चालू है कलीसियाओं के अंदर। मैं एक जगह पे था, एक प्रचारक आए, उस प्रचारक ने 5 मिनट के अंदर 10 बार लोगों से ऑफरिंग मांगी, पैसा दो, दशमांश दो, ये दो वो दो, ये दो वो दो। मैं सोच रहा था ये क्या कर रहा है। और जानते हैं जब ऑफरिंग आई उसके बाद लास्ट में क्या कहा, जिन्होंने नहीं दिया ये बात जान लो, अगर प्रभु को नहीं दोगे तो डॉक्टर को दोगे। मैंने कहा प्रभु मुझे 5 मिनट खाली दे, मुझे इससे बात करनी है, मैं वादा करता हूं मैं उसके बाद पश्चाताप करूंगा, पर मेरे को 5 मिनट से बात करने दे। कैसे खुदा के लोगों को डरा रहा है ये चोर। सच कहता हूं, मैं सच कहता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। आज बहुत सारे लोग आप देखो पैसा पैसा पैसा। अरे यीशु किधर है भाई, वेयर इज जीसस? यीशु कहां पर है? प्रचारक डिसीव हो चुके हैं, अपनी मूर्ति पूजा चालू है। मैं 60 देशों में गया, मैं 70 देशों में गया, मेरे द्वारा एक आदमी एक कलीसिया में गया था और एक आदमी का उसे प्रचार सुना, और अगले दिन उस आदमी ने कहा आज कलीसिया में 200 लोग आए थे, मैं जहां पर गया हुआ था और उस आदमी ने देखा था खाली 20 ही लोग थे, तो उसने बोला नहीं नहीं पास्टर गलत नहीं है, हम लोग गिन रहे थे, पास्टर उंगलियां गिन रहा था, उंगलियां तो 200 हुई ना, बराबर है ना, एक आदमी को 10 है तो 200 हुई ना। इतनी बड़ाई अपनी मूर्ति, इट्स आइडल वर्शिप, ये मूर्ति पूजा ही है, इट्स आइडल वर्शिप। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, यदि आपको कभी डालने के लिए पैसा न होना, चिंता मत करना, खुदा तब भी आपसे प्यार करता है, स्टिल ही लव्स यू, वही तुम्हें डालने के लिए बीज देता है। किसी से मत डरना, कोई भी तुम्हें डराए, अगर पैसा नहीं दोगे तो तुम्हें आशीष नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा, उनको बोलना आई रिजेक्ट योर वर्ड्स इन जीसस नेम, मुझको खुदा ने दिया था और मुझे देगा। जानो अपने परमेश्वर को। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं चाहता हूं बाइबल बंद करो, मुझे लगता है ये सुन के थोड़े हैरान हो जाएंगे। आज कुछ अजीब ही है हमारे कलीसिया में, मैं विश्वास करता हूं यीशु हमारे बीच में है आज।
आमीन। सुनिए, इससे पहले कि मैं क्लोज करूं, आई टेल यू वन थिंग, 95 साल की उम्र में एक व्यक्ति कलीसिया को एक लेटर लिख रहा था। आपको पता है उसे अपने लेटर में एक बार भी अन्य भाषा के लिए नहीं लिखा, जबकि आप देखो लोग अन्य भाषाओं पे लड़ते हैं आजकल, मेरे पास है, तेरे पास नहीं है, तेरे पास नहीं है, मेरे पास है। डू यू नो, उस आदमी ने अन्य भाषा के लिए कुछ नहीं लिखा। उस आदमी ने यह नहीं लिखा कि हमारे पास पैसे नहीं है, कृपया हमें भेजो ताकि प्रभु का काम चल सके। वो जानता था परमेश्वर ने उसे सिर्फ 5 पन्ने दिए लिखने के लिए, 5 पेजेस। वो जानता था कि खुदावन ने सिर्फ मुझे 5 पेजेस दिए लिखने के लिए, और उसने डिसाइड किया मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखूंगा। और जानते हैं उसने अपनी पत्री में क्या लिखा? जीवन प्रकट हुआ है, हमने उसे देखा है, हमने उसे सुना है, हमने उसको छुआ है, हमने उसको सुना है। आपको पता है वो क्या बता रहा है? हमारे कलीसिया में मेन प्रॉब्लम ये नहीं है कि अन्य भाषा किसको है, नहीं है, पैसा है, नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, हमारे कलीसियाओं में से जीवन गायब है, जिंदगी नहीं है। लोगों के पास नॉलेज बहुत है, मांगो तो तुम्हें, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तुम्हारे लिए, तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूं, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए। हमें पूरा ज्ञान है, लेकिन हमें अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है। मेरे भाइयों और बहनों, उस परमेश्वर के जन को जानो। अगर आपको चाहिए, आप घर जाके आज पहला यूहन्ना पढ़ना, आप देखना वह अपनी पत्री में बहुत बार लिखता है जीवन, जीवन, जीवन। जानते हो जीवन का मतलब क्या? ये वो जीवन नहीं जो आप जी रहे हो, ये वो जीवन है जो यीशु के अंदर था, और वो कहता है वो आज कलीसियाओं में नहीं है। जीवन के पीछे भागिए। परमेश्वर ने अपने पहले के पन्नों में ये दिखाया है कि जीवन का वृक्ष था। मैं एक बार लास्ट टाइम मॉरल को रिपीट करना चाहता हूं। एक लड़की, वो मर गई थी, यीशु ने उसको जिलाया, और जिलाए जाने के बाद उसके लिए कहा इसे खाना दो। हम बिल्कुल यायर की बेटी की तरह थे, प्रभु में आने से पहले गुनहगार थे, ऐसे ऐसे काम करते थे कि हम कबूल नहीं कर सकते, यहां पर हमें शर्म महसूस होती है। लेकिन जैसे आप प्रभु में आए, उसने आपको जिलाया, उसने आपको माफ किया। पर आपको पता है आप में से क्यों वापस अपनी मरी हुई दिशा में चले गए? क्योंकि आपको भोजन नहीं मिला है। जानते हो भोजन क्यों नहीं मिला है? क्योंकि तुमने इसे किताब समझ के पढ़ा है, जिंदगी की रोटी नहीं। इसे उठाओ आज रात को, कहीं देर ना हो जाए कल। आप जानते हैं बाइबल की अंतिम प्रार्थना क्या है? उसके बाद बाइबल साइलेंट है, कोई प्रार्थना नहीं बताती। द लास्ट प्रेयर ऑफ द बाइबल इज, यूहन्ना कहता है, हे प्रभु यीशु आ। ये वचन तुम्हें उस लेवल पे ले जाएंगे एक दिन जब तुम भी ये प्रार्थना करोगे, कम लॉर्ड जीसस। और जानते हैं लास्ट में क्या लिखा है? हां आमेन। कितने लोग हैं जो इस प्लेस पे पहुंचना चाहते हैं कि तुम भी ये प्रार्थना कर पाओ और तुम भी ये कह पाओ, यस कम। आज बहुतों को कहता हूं यीशु मसीह आने वाला है, डिस्टर्ब हो जाते हैं। जानते हो क्यों डिस्टर्ब होते हो? क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे जीवन में पाप है। मेरे भाइयों और बहनों, बी अलर्ट, बी अलर्ट। आज का संदेश शायद आपके कानों को पसंद नहीं आया होगा, लेकिन दिल से जानता हूं प्रभु खुश है आज। बिलीव में मैं पूरे हृदय से विश्वास करता हूं कि खुदावन खुश है आज के बाद। मैं फिर से कहता हूं, सब यहां देखिए, मैं आपके सामने अपने कपड़े झाड़ता हूं, मैंने आपको सच्चाई बताई है। अब आप जानिए, आपके काम जाने। परमेश्वर को न्याय के दिन मत कहना
कि मैंने क्या किया, मैंने आपको सब कुछ बताया। पिलातुस ने अपने पैर धोए, अपने हाथ धोए थे। मैं आपके सामने अपनी शर्ट झाड़ता हूं आज कि मैंने आपको संपूर्ण सत्य बताया है। अब ये आप जानो, आपका खुदावंत जाने कि आपका संबंध उसे कैसा है। यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो हम उसके साथ जिएंगे भी।